नमस्कार, मु तन्मय गर्मा आज विज्ञान कला सब आपण मानक स्वागत करुच्ची। कालांश आरंभ करने पूर्व प्रथम ब्रह्मनाद करिबा। उद्भिद क्यों प्रक्रिया रे खाद्य प्रस्तुत करि थाए? आलोक श्लेषण प्रक्रिया क्यों अनुसार करि थाए? पत्र रे कौन थिबार पत्र रंग सबुज होइ थाए? सबुज कणिका बा हरित लवक। पत्र रे सबुज कणिका बा हरित लवक थिबार पत्र रंग सबुज होता है। पत्र रे अनेक छोट छोट सूक्ष्म छिद्र थाए, ताहाको स्टोम कहा जाए। पत्र थिबा छोट छिद्र को कौन कहा जाए? स्टोम। एही स्टोम दे उद्भिद वायुमंडल रो अंगारकाम्ल गैस ग्रहण करी थाए। उद्भिद वायुमंडल रो अंगारकाम्ल गैस ग्रहण करे, चेरा माटी रो जल शोषण करी पत्र को पठाए। जल किपर पत्र जाए? कांड दे। उद्भिद रो चेरा माटी रो संग्रह करथिबा जल ओ खनिज लवण कांड दे पत्र को जाए। पत्र रे थिबा स्टोम वायुमंडल रो अंगारकाम्ल गैस ग्रहण करथाए। सूर्यालोक रो उपस्थिति रे पत्र रे थिबा सबुज कणिका अंगारकाम्ल ओ जल को व्यवहार करी श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करथाए। एही प्रक्रिया को आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहा जाए। आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहा को कहा जाए? पत्र रे थिबा सबुज कणिका सूर्यालोक उपस्थिति रे वायुमंडल रो अंगारकाम्ल ओ चेरा माटी रे संग्रह करथिबा जल को व्यवहार करी श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करथाए। एहा को आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहा जाए। उद्भिद क्यों प्रक्रिया रे खाद्य प्रस्तुति करे? आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे उद्भिद जल ओ अंगारकाम्ल व्यवहार करथाय एवं श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करथाय। एही प्रक्रिया रे अम्लजान गैस निर्गत होइथाय। उद्भिद खाद्य प्रस्तुति समय रे वायुमंडल रो अंगारकाम्ल गैस निए एवं अम्लजान गैस वायुमंडल को छाडिथाय।
तुम्हें श्वासक्रिया कर कि हाँ श्वासक्रिया कर उद्भिद मध्य श्वासक्रिया करे जिते बड़े उद्भिद श्वासक्रिया करे से क्यों गैस ग्रहण कर अम्लजान गैस क्यों गैस छाड़ अंगारकाम्ल गैस उद्भिद श्वासक्रिया समय अम्लजान गैस ग्रहण करे एवं अंगारकाम्ल गैस छाड़ी थाए उद्भिद केते बेले श्वासक्रिया करे सब बेले उद्भिद खाद्य प्रस्तुति केते बेले करे दिन बेले उद्भिद राति रे खाद्य प्रस्तुत करी थाए कि ना काहे कि ना राति रे सूर्यालोक नथिबारु उद्भिद राति रे खाद्य प्रस्तुत करी पारे नाही किंतु उद्भिद सब बेले श्वासक्रिया करे श्वासक्रिया रे उद्भिद केउ गैस छाड़े अंगारकाम्ल राति रे उद्भिद वायुमंडल को अंगारकाम्ल गैस छाड़ी थाए तेणु राति रे गच्छ मूले सोइबा अनुचित गच्छ काटी देले कौन हेबो गच्छ काटी देले वायुमंडल रो अम्लजान परिमाण कमी जीवो काहेकि ना उद्भिद वायुमंडल को जेतिके अंगारकाम्ल गैस श्वासक्रिया रे छाड़े ताठारो बहुत अधिक अम्लजान गैस खाद्य प्रस्तुति समय छाड़ी थाए तेणु जदि आम गच्छ काटी देबा ताहले वायुमंडल रे अंगारकाम्ल गैस रो परिमाण बढ़ी जीवो एवं अम्लजान गैस रो परिमाण कमी जीवो पत्र रा कार्य पत्र कौन कर थाए खाद्य प्रस्तुति आउ कौन कर थाए श्वासक्रिया उद्भिदर मूल माटी रो जल शोषण करिथाए खाद्य प्रस्तुति समय सही जल व्यवहार होइथाए किंतु अदरकारी जल कौन हुए आस गोटे वीडियो देखिबा गच्छर गोटे डाल को जरी भितरे पुराई बांधि देबा एहाको किछि समय पई खरारे रखिबा घंटा परे सेही जरी को लक्ष्य कर कौन लक्ष्य करूछ जरी रे किछि परिवर्तन होइछि कि देखो जरी पाखरे पानी लागिछि एबे जरी टिको बाहर करि दिय जरी भितरे पानी लागिथिला जेते बेले आमे गच्छ चारिपटे जरी टी गुड़े थिले सेते बेले जरी रे पानी नथिला किंतु एबे पानी कोठु आसिला जरी टी ओदा लागिला काहिंकि ना जरी भितरे जले बाष्प थिला जले बाष्प केंठारे आसिला उद्भिदर मूल माटी रो जेउ जल शोषण करिथाए ताहा उद्भिद व्यवहार करिबा परे अदरकारी जल वायुमंडल को छाड़ी दिए एही प्रक्रिया को उच्छेदन प्रक्रिया कहा जाए एही प्रक्रिया रे उद्भिद वायुमंडल को जले बाष्प छाड़ी थाए सेही जले बाष्प जरी रे लागि जायथिला तेणु जरी टी ओदा लागिला उच्छेदन कहा को कहा जाए उद्भिद तार अदरकारी जल वायुमंडल को छाड़ीबा प्रक्रिया को उच्छेदन कहा जाए उच्छेदन उद्भिद तार अदरकारी जल को वायुमंडल को छाड़ीबा प्रक्रिया
गच्छ काटि देले वर्षार परिमाण कमी जीव काहिंकि उद्भिद वायुमंडल को उच्छेदन प्रक्रिया रे जलीय बाष्प छाड़ थाए सेही जलीय बाष्प वायुमंडल को जाई ठंडा होई मेघ सृष्टि कर थाए मेघर वर्षा होई थाए जदि आम जंगल काटि देबा ताहले गच्छ संख्या कमी जीव गच्छ संख्या कमी गले वायुमंडल रे जलीय बाष्पर परिमाण कमी जीव फळरे वर्षार परिमाण कमी जीव तेणु गच्छ काटि देले वर्षार परिमाण कमी जीव। तुम्हें जानिछ कि गोटे उद्भिद दिन को प्राय केते लीटर जल वायुमंडल को छाड़ी थाए 50 टी पत्र थिबा गोटे उद्भिद दिन को प्राय 1 लीटर जल वायुमंडल को छाड़ी थाए। वायुमंडल को जलीय बाष्प गले वायुमंडल ठंडा होई थाए तेणु उद्भिद को पृथ्वीर प्राकृतिक शीतलीकरण यंत्र कहा जाए। कहा को पृथ्वीर प्राकृतिक शीतलीकरण यंत्र कहा जाए उद्भिद। उद्भिद को कौन कहा जाए पृथ्वीर प्राकृतिक शीतलीकरण यंत्र। शीतलीकरण यंत्र कहीं कहुए कहीं उद्भिद वायुमंडल को ठंडा रखी थाए तेणु उद्भिद को पृथ्वी प्राकृतिक शीतलीकरण यंत्र कहुए। पत्र कण थी पत्र रंग सबुज होता है हरित लवक सबुज कणिका। उद्भिदर केउ अंशरे खाद्य प्रस्तुति होता है पत्र। उद्भिद केउं प्रक्रिया रे खाद्य प्रस्तुति करे आलोक श्लेषण प्रक्रिया। खाद्य प्रस्तुति समय रे उद्भिद वायुमंडल रु केउं गैस संग्रह करथाय अंगारकाम्ल। खाद्य प्रस्तुति परे उद्भिद वायुमंडल को केउं गैस छाड़ी थाय अम्लजान। उद्भिद श्वास क्रिया रे केउं गैस ग्रहण करे अम्लजान। उद्भिद श्वास क्रिया रे केउं गैस छाड़ी थाए अंगारकाम्ल। काहाकु उद्भिदर रोसे घर कहा जाए पत्र। उद्भिद तार अदरकारी जल कहा माध्यम रे वायुमंडल को छाड़ी थाए पत्र। पत्र रे थिबा सूक्ष्म छिद्र को कौन कहा जाए स्तोम। उद्भिद तार अदरकारी जल को वायुमंडल को छाड़ीबा प्रक्रिया को कौन कहा जाए उच्छेदन। क्यों प्रक्रिया वर्षा कराइबारे सहाय्य करिथाए उच्छेदन। 50 टी पत्र थिबा गोटे उद्भिद दिन को प्राय केते लीटर जल वायुमंडल को छाड़ीथाए 1 लीटर। कहा को पृथ्वीर प्राकृतिक शीतलीकरण यंत्र कहा जाए उद्भिद। आज घर काम होउछि उच्छेदन प्रक्रिया टी निजे परीक्षा करी देखिबा। धन्यवाद।